नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैसला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, जैसा कि हम जीके में टॉपिक चला रखा हमने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, अर्थशास्त्र का ही है, शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट। ठीक है, तो आज हम शेयर बाजार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शेयर होता क्या है? शेयर को बोल सकते हैं हम अंश, अंश यानी हिस्सा। तो जैसा कि हम गणित में पढ़ते हैं कि भाई एक पार्टनरशिप का चैप्टर आता है कि भाई कोई व्यापार कर रहे हैं तो ए ने किसी व्यापार में लगाए हैं 5 लाख रुपए और बी ने लगाए हैं उस व्यापार में 3 लाख रुपए। इस तरह का हम जब गणित में चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एक व्यापार में जिसमें 8 लाख की जरूरत है उसमें 5 भाग तो यानी 5 शेयर तो या 5 हिस्से तो ए के हैं और 3 हिस्से बी के हैं। अब इसमें लाभ होगा हानि होगा वो इसी अनुपात में बटेगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता, 2 या 4 पार्टनर होते हैं, गिने चुने होते हैं, गिनती के होते हैं। लेकिन अगर हमें पैसा चाहिए, किसी कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है कि शेयर बेच देती है अपने। अब ऐसे ही उसके छोटे छोटे हिस्सों में उसके बांट दिए जाते हैं जिन्हें शेयर कहते हैं। तो पता चला जी, एक कंपनी मान लिया, कोई भी एक कंपनी उठा लेते हैं, एक कंपनी है ABC, इसने 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कुछ शेयर जारी कर दिए। मान लिया इसने 10 करोड़ शेयर जारी कर दिए। अब होता क्या है, 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 10 करोड़ शेयर हैं किसी कंपनी के। अब ये जो 10 रुपए शेयर के हिसाब से किसी व्यक्ति ने मान लिया 1000 शेयर खरीदे, तो इसका मतलब उसका 10,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही किसी ने 1 लाख शेयर खरीदे हैं तो इसका मतलब उसका कितना हो गया, 10 लाख रुपए शेयर इन्वेस्ट हो गया। ये मानकर आप चल सकते हैं मोटे तौर पर। अब अगर कंपनी में लोगों का विश्वास है, लग रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लग रहा है कि कंपनी आगे फायदे में जाएगी, तो क्या होगा, लोग ज़्यादा खरीदने वाले हो जाएंगे इसको, और ऐसी स्थिति में इनकी डिमांड बढ़ जाएगी शेयरों की, और जैसे ही शेयरों की डिमांड बढ़ेगी तो इनका मूल्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये जो शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, ये इसी खरीद फरोख्त के बाजार को हम शेयर बाजार बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो डीपली भी पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ तभी के लिए फायदेमंद है जब आपको शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो कि आपको शेयर में ट्रेडिंग करनी है, शेयर में इन्वेस्टिंग करनी है, तो तब तो फायदा है। अभी हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है BSE। याद रखना, यह भारत का सबसे पुराना और एशिया का भी सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार BSE है। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भारत का और विश्व का सबसे बड़ा, सॉरी विश्व का नहीं, भारत का और एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है BSE। एक और शेयर बाजार है भारत में, भारत में वैसे लगभग 20 के करीब शेयर बाजार हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध है दूसरा एक और ले लेते हैं हम, NSE। यानी NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको दोनों को याद रखना है। NSE की स्थापना जो हुई थी वो फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। कौन सी समिति थी? फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर NSE की स्थापना हुई थी भाई। अब यहां पर जो सवाल बनता है, BSE और NSE दोनों का मुख्यालय कहां पर है, बंबई में है या मुंबई में है?
दोनों का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो ज्यादातर कार्य हैं वो मुंबई में ही होते हैं भाई। इसके बाद बीएससी का जो शेयर सूचकांक है, बीएससी का क्या बोल रहे हैं हम, सूचकांक, वो सेंसेक्स है। आपने कई बार अखबार वगैरह में पढ़ा होगा सेंसेक्स है, बीएससी का शेयर सूचकांक सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स की बात करते हैं तो ये सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है, ठीक है भाई, याद रखना। भी अभी क्लियर करते हैं हम। एनएससी का शेयर सूचकांक है निफ्टी, निफ्टी यानी निफ्टी, निफ्टी जो है ये 50 कंपनियों के शेयर सूच मूल्यों पर आधारित है। अभी ध्यान से सुनना भाई, बीएससी का शेयर सूचकांक है सेंसेक्स, इसमें 30 कंपनियों का शेयर मूल्यों को शामिल किया जाता है। एनएससी का शेयर सूचकांक है निफ्टी, इसमें 50 कंपनियों के शेयर मूल्यों को शामिल किया जाता है। निफ्टी को आप नेशनल 50 भी बोल सकते हैं, ये नेशनल और 50 शब्दों से मिलकर बना है निफ्टी, निफ्टी मतलब नेशनल प्लस 50। ओके, अब ये सिस्टम क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए अगर हम बीएससी की बात करें तो लगभग 4 से 5 हजार कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड है यानी सूचीबद्ध हैं बीएससी में। अब क्या होता है कि किसी दिन हम पढ़ते हैं कि आज शेयर बाजार ऊपर चढ़ गया, लेकिन कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं आता कि 4000 की 4000 कंपनियां पॉजिटिव गई या 4000 की 4000 कंपनियां नेगेटिव गई, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ कंपनियां ऊपर जाती है, कुछ नीचे जाती है, ठीक है। अब उनमें होता क्या है कि अगर ज्यादा कंपनियां ऊपर जा रही हैं तो इसका मतलब शेयर बाजार चढ़ रहा है, और कुछ के शेयर नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब शेयर बाजार फिसल रहा है। अब उसके लिए निर्धारित कर दिया उन कंपनियों में से 30 कंपनी महत्वपूर्ण उठा ली, जिनका मार्केट कैप अच्छा होता है, जिनकी वैल्यू ज्यादा अच्छी मानी जाती है, तो ऐसी 30 कंपनियां उठा ली। अब इन 30 कंपनियों को चेक करते हैं, इनका एक वेटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि भाई इन्होंनमें से कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि 30 की 30 पॉजिटिव गई हैं, कभी 28 पॉजिटिव गई हैं, कभी 20 पॉजिटिव गई हैं, तो वो अलग अलग होता है, अलग रोजाना का अलग सिस्टम होता है। तो इन 30 कंपनियों में से कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव करके इनका वेटेज निकाल कर बताया जाता है कि आज सेंसेक्स 10 अंक चढ़ गया, 200 अंक चढ़ गया, 50 अंक फिसल गया, इस तरह का जो बताया जाता है वो इन सिर्फ 30 कंपनियों की कैलकुलेशन के आधार पर होता है, ठीक है। इससे एक बाजार का ट्रेंड पता चल जाता है। एनएससी में 50 कंपनी है तो वहां पर 50 कंपनियों के आधार पर निकाला जाता निफ्टी जो है, ठीक है। तो इसमें भी वही सिस्टम है कि 50 कंपनियों में से हो सकता है आज 45 पॉजिटिव गई, 45 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने 1 से 1.5% की शेयर में वृद्धि की है, और 5 कंपनियां ऐसी है जिनका थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो कहेंगे लगभग 1% आज निफ्टी जो चढ़ गया है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, निफ्टी और सेंसेक्स ये हमारे शेयर सूचकांक है। सूचकांक का मतलब सूचना देने वाले अंक, इससे पता लगता है कि आज मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ओके, अब जैसे हमारे देश में हो गए सेंसेक्स और कौन सा भैया निफ्टी, ऐसे ही दूसरे देशों के भी शेयर सूचकांक है। जैसे न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क या अमेरिका में एक दो है सर, डो जोन्स और नैसडैक, दोनों ही अमेरिका के शेयर सूचकांक है, यूएसए के शेयर सूचकांक है भाई ये। ऐसे ही एक है निक्की, निक्की कहां का भाई, जापान का शेयर सूचकांक है। हैंगशेंग नाम से ही पता चल रहा है, हैंगशेंग कहां का है, हांगकांग का सूचकांक है। आपको सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 4 यहां पर हो गए, 2 इंडिया के हो गए, तो कम से कम ये 6 तो याद होने चाहिए आपके, और शेयर सूचकांक आपको समझ में आ गया होगा। इससे एक पता चलता है कि भैया हमारा जो है शेयर बाजार वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सूचकांक का मतलब यही होता है। आ जाते हैं फिर अपने उसी शेयर बाजार पर। तो अभी हमने बताया शेयर बाजार बीएससी है, एनएससी है,
शेयर बाजार में जब ट्रेडिंग होती है तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो शेयर बाजार में चाहते हैं कि भाई तेजी हो जिससे कि वो लाभ कमाएं। ट्रेडिंग की बात होती है, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर जो होता है वो सोचता है कि भाई शेयर बढ़ेगा तो फायदा होगा, लेकिन ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ तेजी पे फायदा उठाते हैं, कुछ मंदी पर फायदा उठाते हैं। तो ऐसे शेयर ऐसे मतलब जो शेयर बाजार में ट्रेडर हैं जो तेजी चाहते हैं उन्हें बोलते हैं बुल्स। बुल्स बुल्स यानी तेजड़िया। और जो मंदी चाहते हैं उन्हें बोलते हैं बियर। बियर यानी मंदड़िया। बुल्स एंड बियर, ठीक है, तेजड़िया और मंदड़िया, ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं? शेयर बाजार से। शेयर बाजार में तेजी चाहने वाले बुल्स और मंदी चाहने वाले बियर। ओके, इसको आप भी अगर अखबार वगैरह में देखते हैं हम कई बार, तो अगर शेयर बाजार को कहते हैं कि आज शेयर बाजार बहुत डाउन चला गया तो उस दिन भालू दिखाया जाता है, बियर छपा होता है अखबार वगैरह में। और जिस दिन शेयर बाजार को इस तरह से दिखाते हैं ऊपर की तरफ भागता हुआ, तो यहां पर एक बैल दौड़ लगाता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। तो बुल्स एंड बियर जो दोनों शेयर बाजार में तेजी और मंदी के प्रतीक माने जाते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है बुल्स एंड बियर शब्द किससे जुड़े हुए हैं, या बैल और भालू शब्द किससे जुड़े हुए हैं, या तेजड़िया और मंदड़िया शब्द किससे जुड़े हुए हैं, तो भैया शेयर बाजार से हैं। ओके, अब देखिए शेयर बाजार में अरबों खरबों का लेन देन होता रोजाना। अब इतना बड़ा लेन देन होने पर शेयर बाजार में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, तो शेयर बाजार को कंट्रोल भी होना चाहिए। तो शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्था है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था है सेबी। नोट कर लेंगे आप, सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था, ये भी ध्यान रखना है आपको। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ओके, और 1992 ईस्वी में इसको वैधानिक दर्जा मिला था सेबी को। ये पूरे शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, किस कंपनी को लिस्ट करना है, किसको डीलिस्ट करना है, ये सब देखती है, किसको बीएससी के सेंसेक्स में रखना है, किसको निफ्टी में रखना है, किसको बाहर करना है, इसका है, किस कंपनी के शेयर पर सर्किट लगाना है, किसको हटाना है, सारा काम सेबी का है। रूल एंड रेगुलेशन जितने भी होते हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए वो सेबी निर्धारित करती है, ठीक है। अब बात आ जाती है शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए या शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग के लिए। तो याद रखना भाइयों कि देखिए शेयर बाजार में बहुत सारे जो भाई नहीं जानते तो उनके लिए बता दें कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग अलग चीज़ें होती है। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास 100,000 रुपये हैं, आपने 100,000 रुपये के शेयर खरीदे 2 या 3 अच्छी कंपनियों के और खरीद कर रख दिए 8-10 साल 15 साल 20 साल के लिए, वो इन्वेस्टिंग है। ट्रेडिंग क्या होता है कि सुबह खरीदा शाम को फ़ायदा लिया और बाहर हो गए, ठीक है, ये ट्रेडिंग होता है। सुबह खरीदा कल बेच दिया 3 दिन बाद बेच दिया, ये ट्रेडिंग होता है। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर थोड़े अलग टाइप के होते हैं सर, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए शेयर बाजार का एक अकाउंट अलग होता है। तो शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग के लिए होता है उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? डीमैट अकाउंट, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ अकाउंट का नाम है डीमैट अकाउंट। ये ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, वो अपने अधीन डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं बहुत सारे, ओके भाई। इसके खोलने के बाद ये आपके बैंक के अकाउंट से लिंक हो जाएगा और उसके बाद आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के बाद, ठीक है। लेकिन भाई ध्यान रखना कि बिना जानकारी के ना इन्वेस्टिंग करनी है ना ट्रेडिंग करनी है। हाँ, अगर आप कहेंगे थोड़ा सा हमारा जब थोड़ा चैनल जो है ग्रो कर जाएगा उसके बाद हम थोड़े से बीच बीच में इसके शेयर बाजार के टिप्स भी बताते रहेंगे और आपको बता भी देंगे कि कहां पर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है अगर चाहें तो। वैसे मेरे हिसाब से अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है भाइयों
ऊपर वाला चाहे ऐसा हो, तो अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो हमें बचत के बाद थोड़ा इन्वेस्ट करने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा तरीका होता है शेयर मार्केट में, इसमें आपका भी फायदा होगा और गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारे देश का भी फायदा होता है अगर शेयर मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो। ओके, और अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है वो अगर आप अच्छी कंपनी चुन लेते हैं तो। जैसे कि एक उदाहरण बता देता हूँ मैं, अभी इसको थोड़ा सा डीमैट अकाउंट के बारे में जैसा लिखवाया उसके बाद बताएंगे। तो एक उदाहरण बता देते हैं कि देखिए कोई भी कंपनी है वो पता नहीं कितने परसेंट की बजाय गुणे में चल जाए। कैसे, उदाहरण देखिए, एक कंपनी हुई थी टाइटन, टाइटन ज्वेलरीज की कंपनी है जिसमें घड़ी वगैरह भी होती हैं और ऑर्नामेंट्स भी होते हैं। तो टाइटन नाम की कंपनी थी, आपको जिन्होंने नहीं देखा है तो टाइटन कंपनी का शेयर देखिए, अब से लगभग 10-15 साल पहले क्या था, ये 3 रुपये का एक शेयर था और वर्तमान की बात करें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस होता रहता है, लगभग 1000 रुपये के आसपास शेयर घूम रहा है। अब सोचिए कि अगर किसी ने वो लगभग 3 रुपये का एक शेयर खरीदा और सपोज कीजिए 3 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर 3 लाख रुपये के खरीद लिए, 1 लाख शेयर खरीदे 3 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए उन्होंने 20 साल पहले मान लिया, तो अब 1 लाख शेयर का मूल्य कितना हो चुका होगा, 1000 × 1 लाख 1000 लाख, यानी 10 करोड़ रुपये भाई, सीधा सा लगभग भाई। एक छोटा सा मैंने नमूना बताया है, इससे अलग इस जो ये तो सीधा सा आपको दिखाई देगा, इससे अलग शेयर बाजार में जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, ये बगैर बोनस और बगैर डिविडेंड का बताया है। तो जो हमें 10 करोड़ दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा बैठेगा भाई, ठीक है ना। तो 3 लाख रुपये से 10-20 करोड़ के करीब का अब तक बन चुका है, ऐसे हिसाब शेयर बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बीच बीच में, लेकिन ये तब होगा जब हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा और तभी, क्योंकि अभी इतने हम अपना चैनल इतना ग्रो नहीं करा है कि मैं इसके लिए एक्स्ट्रा चला सकूं, उसके लिए कभी कभार महीने में 2 क्लास ऐसी एक्स्ट्रा चलानी पड़ेंगी मुझे। ओके, फिर अगर मूड हो तो आप कमेंट्स कीजिए, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे भाई। ओके, तो अभी आ जाते हैं हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट और ट्रेड करने के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट, डीमैट, डीमैटेरियलाइज्ड डीमैट की फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइज्ड। तो जो हमारे शेयर रखे जाते हैं वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे जाते हैं भाई, या भौतिक रूप से, यानी हमारे शेयर हमारे अकाउंट में दिखाई देंगे, रुपया दिखाई देगा लेकिन हम उनको छू नहीं सकते, क्योंकि पहले जो अकाउंट, पहले जो शेयर बाजार होता था, तो जैसे अभी हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, तो उसके कागज होते हैं, इसी तरह शेयरों के कागज हुआ करते थे। अब वो सब खत्म कर दिया, इसलिए अब इसको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे जाने के कारण इसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई, एक बार दो सर। अब देखिए शेयर बाजार को में क्या होता है कि कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अभी जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन की वजह से सभी कंपनियों के शेयर ज़्यादातर नीचे आ गए, लेकिन याद रखना ये भी एक मौका होता है। रिलायंस कंपनी का शेयर, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, रिलायंस कंपनी का शेयर जो 1400-1500 के करीब चल रहा था वो 900 रुपये तक पहुंच गया था, अब दोबारा 1450-1450 है आजकल में देखेंगे तो आप। तो इसका मतलब अब सोचिए कि अगर किसी ने 2 महीने पहले 900 रुपये में वो शेयर खरीद लिया और आज वो 1500-1400-1500 का हो गया, तो 50% 2-3 महीने में बढ़ गया, 1.5 गुना धन हो गया। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, ऐसे मौके भी आते हैं शेयर बाजार में, ठीक है। तो खैर छोड़िए उसको, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह रहे हैं कि शेयर बाजार में शेयर ऊपर भी जा सकते हैं, मूल्य नीचे भी आ सकते हैं, है सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिन पर लोगों को विश्वास होता है, ऐसी कंपनियों को बोलते हैं ब्लू चिप कंपनियां। कौन सी कंपनियां, ब्लू चिप कंपनी। अब ब्लू चिप कंपनी किसको मान सकते हो आप, कोई फिक्स नहीं होती कि ब्लू चिप कंपनी ये है, लेकिन ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी जिनके शेयरों ने पिछले कुछ वर्षों में 8-10 वर्षों में लगातार वृद्धि, लगातार का मतलब ये नहीं होती कि रोजाना वृद्धि हो, याद रखना भाई, लगातार वृद्धि दिखाई है या लगातार लाभ दिया है,
ऐसी कंपनियां जिनके शेयरों ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि या लाभ दिया है, रेगुलर लाभ दे रही है, अगर आप हर साल देखेंगे तो 10% 15% की ग्रोथ दिखा रही है उनके शेयर जो हैं, और भविष्य में भी उम्मीद है कि ये आगे भविष्य में भी इनमें वृद्धि रहेगी, तो ऐसी कंपनियों को बोलते हैं ब्लू चिप कंपनियां। क्लियर हो गया? ऐसी कंपनियां जिनके शेयरों ने पिछले कुछ वर्षों में 8-10-15 वर्षों में लगातार लाभ दिया है और भविष्य में भी जिनके लाभ में रहने की संभावना है, ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। तो शेयर बाजार के मामले में ये ऐसी टर्म होती है कि जिसको सेफ मानते हैं कि भैया ये सेफ इन्वेस्टिंग मानी जाती है। देखिए, शेयर बाजार में 100% सेफ कुछ नहीं है, ये याद रखना भाई, 100% सेफ कुछ नहीं होता, रिस्क होता है, लेकिन रिस्क और रिवार्ड का रेशियो देखना होता लोगों को। तो इनमें रिस्क कम होता, रिवार्ड भी थोड़ा कम होता है, लेकिन मिलता है। कुछ में रिस्क ज़्यादा होता है तो रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि अभी शेयर जो आज है 50 रुपये का, पता चला जी 2 महीने बाद वो 150 का हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, लेकिन 10 रुपये का भी रह सकता है भाई, ठीक है। तो कुछ रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना होता है, उसको छोड़ते हैं अभी। तो ब्लू चिप कंपनियां समझ गए, जिनके शेयरों में लगातार लाभ दिया है पिछले कुछ समय से और भविष्य में भी जिनमें लाभ में रहने की संभावना है, ब्लू चिप। एक और, शेयर बाजार में क्या होता है कि जब कंपनियां, कोई इसी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिए, अभी किसी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, सपोज कीजिए इन्फोसिस है, अभी इन्फोसिस का शेयर मान लिया 700 रुपये का चल रहा है, मान लिया, ठीक है। अब शेयर बाजार में आपने इंफोसिस के 100 शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, यानी 70,000 रुपये आपने इंफोसिस में लगा रखे हैं। अब होता क्या है कि इंफोसिस का शेयर का मूल्य बढ़ रहा है घट रहा है, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन इससे अलग भी कंपनी जो होती है कि साल में, एक वर्ष में जनरली क्या करती हैं अच्छी कंपनियां, अपना देखती हैं कि कितना लाभ कमाया कंपनी ने। अब कंपनी का हर 3 महीने में क्या है, रिजल्ट दिखाते हैं ये कि भैया कितने लाभ में गई या घाटे में गई, क्या कमाया, क्या खर्च किया, ये सब घोषित करना पड़ता है कंपनी को। तो फिर ये साल में एक बार या दो बार ऐसा भी करती हैं कि अगर कंपनी को अच्छा लाभ हुआ है तो वो क्या करती है कि उस लाभ में से अपने शेयर धारकों को भी कुछ देती है। भाई हमने कमाया, आपका भी तो पैसा लगा हुआ है, आपने शेयर से कमा रहे हो अलग बात है, लेकिन जो हमने प्रॉफिट कमाया खरीद बेच करके उसमें भी आपका कुछ हिस्सा है। तो आपको 100 शेयर हैं जैसे, तो वो 7 रुपये का एक शेयर 700 रुपये का था, तो मान लिया इसने 7 रुपये या 8 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया, लाभ में से हिस्सा भी देती है कंपनी। तो 7 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया तो आपको 700 रुपये का जो है ना लाभांश दिया जाएगा। इसे लाभांश या डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिविडेंड, ठीक है। तो कंपनी द्वारा लाभ में से अपने शेयर धारकों को दिया जाने वाला हिस्सा डिविडेंड या लाभांश कहलाता है। नोट कर लेना भाई, कंपनी द्वारा लाभ में से अपने शेयर धारकों, आप पूरा लिखना, अपने शेयर धारकों को दिया जाने वाला हिस्सा लाभांश कहलाता है या डिविडेंड कहलाता है, लाभ का अंश, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। तो कंपनी डिविडेंड भी देती है भाई। एक और बहुत अच्छा टर्म है, एक इसी में एक शब्द होता है आईपीओ। आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी कोई नया शेयर जारी करती है, नए शेयर जारी करती है, तो उसे आईपीओ बोलते हैं। कोई नई कंपनी के द्वारा भी हो सकता है, या किसी पुरानी कंपनी ने अपनी कोई अलग से कोई और कंपनी बनाई है तो उसी में के लिए भी नए शेयर जारी होते हैं। जैसे स्टेट बैंक का शेयर बहुत दिन से चला हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने एक आईपीओ निकाला, एसबीआई कार्ड बहुत चर्चा में रहा था, एसबीआई कार्ड का आईपीओ, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत पुराना है, बहुत पुराने दिन से, बहुत दिनों से लिस्टेड है कंपनी जो है। अब उसने एक और कि एसबीआई कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं एसबीआई के क्रेडिट कार्ड वाले, उसका अलग पोर्शन बनाया, तो उसका आईपीओ जारी किया एसबीआई कार्ड को।
बहुत चर्चा में रहा था। हालांकि उस समय इसका जो है मतलब जितने आईपीओ जारी करे गए थे, शेयर जारी किए गए थे, उसका 100 गुणे के करीब इसको जो है भर दिया गया था, इतनी डिमांड थी इसकी। लेकिन फिर लॉकडाउन वगैरह की वजह से, कोरोना की वजह से, ये शेयर का जो एसबीआई कार्ड का जो आईपीओ था वो पिट गया अभी, ठीक है। लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा वो फ़ायदा ले ही जाएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। तो खैर, तो आईपीओ का मतलब क्या होता उसको छोड़ते हैं अभी। आईपीओ का मतलब होता है जब कोई कंपनी नया शेयर जारी करती है तो उसे आईपीओ बोला जाता है, या कंपनी द्वारा पहली बार जारी किए गए शेयरों को आईपीओ कहा जाता है। क्लियर हो गया भाई, आईपीओ भी हो गया। देखिए, शेयर बाजार में और बहुत सारी टर्म्स हैं। शेयर बाजार में कंपनियां बोनस भी देती हैं। बोनस में क्या होता है, बोनस में शेयर ही दिया जाता है। मान लिया उन्होंने 10-1 का बोनस दिया, तो अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो उसको 10 शेयर मिलेंगे। 10 शेयर है तो एक मिलेगा, 1000 शेयर है तो उसको 100 शेयर और मिल जाएंगे, उसको 1100 शेयर मिल जाएंगे। ये भी कंपनियां टाइम टाइम पर बोनस भी देती रहती हैं, डिविडेंड भी देती रहती है, और उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है कंपनियों का। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं शेयर मार्केट से, ठीक। अब शेयर मार्केट से संबंधित एक शब्द है दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, जिस पर हमारा ये सारा शेयर बाजार वगैरह मार्केट वगैरह स्थित है, उसे दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, मुंबई में स्थित है। क्लियर हो गया सब? ओके। शेयर मार्केट में हमारे यहाँ पर एक घोटाला भी हुआ था, शेयर घोटाला, जिसमें हर्षद मेहता वगैरह का नाम आया था, ठीक है। हर्षद मेहता वगैरह जो थे उनका नाम आया था शेयर घोटाले से जुड़े हुए थे वो भी, ठीक है। एक और भाई, देखिए शेयर मार्केट में एक चीज़ और होती है सर, कि बहुत सारे अनजान भाई होते हैं कि भाई हम शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे हिसाब से पैसा लगा सके। लेकिन अगर आप किसी को, दूसरे को तो पैसा दे नहीं सकते कि भाई मेरे 1,00,000 रुपये लगा दे, क्योंकि आपको मार्केट पर विश्वास नहीं है तो क्या किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास थोड़ी है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कंपनियां ये काम करती हैं आपके हिसाब से। वो क्या करती हैं ऐसी कंपनियां, वो पूरे भारत से या विदेश से भी, पूरे भारत से वो पैसा उठा लेते हैं। आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके हिसाब अपने हिसाब से शेयर मार्केट में लगाएंगे आपके पैसे को। अब उन्होंने क्या करा कि मान लिया हर महीने, वो SIP भी हो सकता है या लमसम भी हो सकता है, तो उन्होंने मान लिया उनके पास हर महीने 50 करोड़ रुपये आ रहे हैं। ऐसी कंपनी है मान लिया कोई 50 करोड़ रुपये आ रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, तो 50 करोड़ रुपये को 10 या 15 जगह बांट देंगे, ठीक है। 10-15 हिस्से करेंगे इसके और अलग अलग कंपनियों में इसको इन्वेस्ट कर देंगे। और उस काम को करने के लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट टीम बैठा रखी है। वो एक्सपर्ट टीम रिसर्च करती है कि अब किस में फ़ायदा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। बदले में अब आपको वो लाभ पहुंचाती है कंपनी, अब आपको बदले में उन्हें, जब आपको उन्होंने लाभ पहुंचाया तो हल्का सा उनका एक थोड़ा कमीशन होता है, बहुत हल्का कमीशन होता है, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों को में इन्वेस्ट को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। हम आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, तो ऐसी कंपनियों को म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड समझ में आ गया। म्यूचुअल फंड का मतलब एक तरह से ऐसी कंपनी है जो लोगों से, आम जनता से पैसे उठाएगी और अपने एक्सपर्ट के द्वारा उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा देगी। ओके, ऐसी कंपनियों को म्यूचुअल फंड कंपनियां बोलते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि एक्सपर्ट बैठते हैं, और दूसरी बात यह होती है कि वो एक जगह पैसा नहीं लगाते, एक जगह पर पैसा नहीं लगाते, वो अलग अलग क्षेत्रों में लगाते हैं। वो FMCG में लगाएंगे, NBFC में लगाएंगे, आपका आपका जो है बैंकिंग सेक्टर में भी लगा देंगे, आपका जो है जो अपनी गवर्नमेंट की कंपनीज है उनमें भी लगा देंगे। तो अलग अलग जगह पर लगाएंगे कि भैया सीमेंट वाले में ये लगा दीजिए, IT वाले में ये लगा दीजिए, विप्रो में लगा लीजिए, इन्फोसिस में लगा लीजिए। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में वो कंपनियों में वो पैसे को आपके को इन्वेस्ट करते हैं, बदले में उनका हल्का सा कमीशन होता है। तो म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्ट के बारे में। इसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी अलग से प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारी तरफ से, ठीक है। एक बात हो इसका म्यूचुअल फंड का, क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरफ गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा रुझान है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड से जुड़े, तो आप ऐड वगैरह भी देखते होंगे। तो म्यूचुअल फंड की जो टैग लाइन है वो क्या है, म्यूचुअल फंड सही है,
म्यूचुअल फंड की टैगलाइन क्या है? म्यूचुअल फंड सही है। समझ में आ गया भाई? ये ऐसे सवाल बन जाते हैं भाई, आपको लग रहा होगा ये नहीं बनेगा तो, लेकिन बनते हैं भाई, क्योंकि जिस तरफ गवर्नमेंट का रुझान होता है वहां से सवाल निकालते हैं एग्जामिनर। तो अभी ऐसे भी बन सकता है इनमें से कौन सा सही, मतलब कौन सा कथन सत्य है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड रिस्की है, इस तरह के चार ऑप्शन बना देगा, तो आपका मतलब है म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि ये टैगलाइन है, बहुत प्रसिद्ध टैगलाइन है, आप बार बार सुनते भी हैं टीवी पर। ठीक है भाई, तो भाई आज की वीडियो में थोड़ी छोटी ही बनानी थी, आज हमने आपको शेयर मार्केट के बारे में बताया। मैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टिंग के टिप्स ही चाहिए, कैसे शुरुआत करनी है ये सब है, तो उसके लिए मैंने जब थोड़ा चैनल ग्रो कर जाएगा तब आपको थोड़ा सा इसकी वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपटीशन से जुड़ी हुई नहीं होगी, कंपटीशन से जुड़ी हुई चीज़ हम बता चुके हैं भाई। ओके, तो कंपटीशन से अलग जब जो टाइम बचेगा उसमें भी हम आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वीडियो प्रोवाइड करा देंगे भाई। ठीक है भाइयों, बाकी कमेंट्स कीजिए अगर आपको चाहिए तो, हम उसी उतना ही हिसाब से सोचेंगे। ठीक है भाई, ओके, अगली वीडियो में आपसे भाई फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।